नमस्कार साथियों, मैं नीलपाल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नीमतुल्ल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इतिहास की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये जो इतिहास की क्लास रहेगी आपकी, ये प्री और मेंस के हिसाब से रहेगी, एमपीपीएससी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्री के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चनों का हमने एनालिसिस किया, उसके आधार पर जितना आयोग जाता है प्री में, तो उस लेवल से और थोड़ा एक दो लेवल आगे तक के हम क्वेश्चन जो है हल करने का प्रयास करेंगे और आगे की जो स्टेप है वहाँ तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेंस का ये रहेगा इसमें कि जो 5 नंबर के और 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ ही साथ तैयार होते चले, ये प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। और जहाँ पर भी 11 नंबर का क्वेश्चन आया करेगा, तो मैं आपको स्पेशली बोल दिया करूँगा कि ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मेशन रहेगा, इसको ऐसे ऐसे तैयार करना, ठीक है। तो ये जो क्लास शुरुआत की है दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए की है कि ताकि आपका प्री भी तैयार हो जाए और मेंस का सिलेबस भी तैयार हो जाए। इतिहास में जो यूनिट पेपर फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है, यानी कि 90 नंबर का जो इतिहास पेपर जो है 1 में आता है, पेपर 1 के पार्ट ए में 90 नंबर का मेंस में आता है। तो कोशिश की जाएगी आपकी यहाँ पर कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको कवर करवा दिए जाए, ठीक है। तो ये जो क्लास रहेगी वो प्री और मेंस को दोनों को मद्देनजर रखते हुए चालू की गई है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपने नोट्स प्रॉपर इस क्लास के माध्यम से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने इतिहास पहले से पढ़ रखा है, तो वो चाहें तो इसको आप देखेंगे, मैं PDF दूंगा उसके माध्यम से देख लें, ठीक है। और जिन लोगों ने इतिहास पहली बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या फिर किसी कारणवश से जो है आधा अधूरा पढ़ा है, तो वो लोग दोस्तों आप लोग जो है नोट्स प्रॉपर तैयार करें, नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, ठीक है। तो आज हम जो इतिहास शुरू करेंगे वो प्रॉपर शुरुआत से शुरू करेंगे, मतलब कि जो इतिहास होता है जैसे शुरू, हालांकि कुछ लोग नए जो पुराने लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि सर शुरू से तो कितनी बार पढ़ा है, उन लोगों ने पढ़ा है, मैथ्स की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट, इन्होंने ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं पढ़ा है, उनने पढ़ा है, लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए भी है दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इतिहास को छुआ भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं। तो एक दो जो लेक्चर हैं वो शुरुआत के रहेंगे, इसके बाद जैसे ही हम सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपके काम की चीज़ आने लग जाएगी, क्योंकि 2020 के जो नया सिलेबस जुड़ा था उसमें सिंधु सभ्यता से लेकर के आगे का इतिहास बताया गया, ठीक है। इसमें पाषाण काल और उससे पहले की चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं, लेकिन प्रीलिम्स वालों के लिए ये याद रखना कि जो इतिहास को जानने के स्रोत रहते हैं, इसमें से आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इसके अलावा जो स्रोत रहते हैं विदेशियों का वर्णन, उसमें कुछ रचनाएं भी हमको पढ़नी पड़ती हैं, कुछ अभिलेख पढ़ने पड़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों में, रचनाएं साहित्यिक स्रोतों में याद रखनी पड़ती हैं, विदेशी स्रोतों में याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि इस बार 2021 में प्रश्न पूछा गया था है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रचना है प्रयास किया जाएगा कि लगभग रचनाएं मैं स्रोतों के माध्यम से आपको बता दूं, और जो भी छूट जाएगी तो तात्कालिक समय का हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इतिहास को शुरू करेंगे, इतिहास के बारे में जितने भी डायमेंशन रहते हैं, प्रयास करूंगा कि मैं सारे डायमेंशन जो टॉपिक रहेगा, जैसे हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे, जैसे टॉपिक है, हमारा टॉपिक है क्या, हमारा टॉपिक परीक्षा में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, सिलेबस में है कि नहीं, हमारा टॉपिक टॉपिक सिलेबस में दिया है तो हम टॉपिक से क्या करेंगे, सबसे पहला काम मुझे ये रहेगा कि उस टॉपिक के पुराने प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, पुराने प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, पुराने प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद दूसरा क्या रहेगा, संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न जो बनेंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे, और जो उस टॉपिक के परंपरागत जो प्रश्न रहते हैं उनको तो हल करने का प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक से नया कोई प्रश्न बन सकता है क्या, ये भी प्रयास किया जाएगा। और जो टॉपिक के परंपरागत जो प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से जैसे कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताइए, ये परंपरागत प्रश्न, लेकिन अगर हम नया क्वेश्चन निकालें कि जो सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ये वर्तमान नगरीय व्यवस्था के लिए जो है किस तरीके से मानक प्रस्तुत करती है, इस पर टिप्पणी कीजिए, तो ये संभावित प्रश्न बन सकता है, ये हमारा बनाया हुआ है, ये परंपरागत प्रश्नों में नहीं आता।
तो प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराने प्रश्न टॉपिक के हल करने का प्रयास करेंगे, फिर हम देखेंगे उस टॉपिक से जो परंपरागत प्रश्न बनते हैं उनका प्रयास करेंगे, इसके बाद जो संभावित प्रश्न बनते हैं उनका प्रयास करेंगे। ये मेंस वालों के लिए हो गया। इसके अलावा प्री वालों के लिए क्या है, तो प्री वालों के लिए दोस्तों कभी भी जो है आयोग प्रश्न का जो है रिपीटेशन नहीं करता, प्रश्न का दोहराव नहीं होता है। तो ध्यान रखना, दोहराव नहीं होता है, प्रश्न का दोहराव नहीं होता है। आयोग क्या करता है, टॉपिकों का दोहराव करता है। कुछ टॉपिक्स रहते हैं जहाँ जो उसके फेवरेट रहते हैं, जैसे कि सल्तनत काल हो गया, मुगल काल हो गया, चोल काल हो गया, तो कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में। तो कोशिश करेंगे कि उससे जितने प्रश्न निकल सकते हैं वो सारे तथ्यों का हम समावेश कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा अप्रोच रहेगा पढ़ने का, तो कोशिश है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये हमारी क्लास शुरू से ही शुरू होगी, इसको बीच में से शुरू नहीं कर रहे हैं हम कि भाई बीच में से शुरू कर दिया। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये अप्रोच रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने डायमेंशन जैसे मैंने नोट्स तैयार किए हैं, जैसी मैंने पीपीटी तैयार की, सारी की सारी आपको उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नोट्स बने तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप अपने नोट्स में अगर मैंने कुछ नया ऐड करवाया तो जरूर ऐड कर लें, उसमें करेक्शन कर लें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं इतिहास के अब तक, तो इस पीपीटी से, इस पीडीएफ से मैं जो बताऊंगा या जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इससे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं कि अगर कोई तथ्य दिया है और मुझे लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी संभावना है, फ्री की पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, अगर मुझे लग रहा है कि मेंस में भी आने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे उससे 3 या 4 फैक्ट हम निकालेंगे, ताकि वो हमारा 3 जो अंक का जो प्रश्न है वो हमारा पूर्ण रूप से हम लिख सकें, 3 अंक का प्रश्न पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रयास करूंगा कि जो 3 तथ्य उसके बारे में मैं बता दूं, ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य आ जाए, अगर वो मेंस में अगर पूछ लिया जाए तो आपको 3 में से 3 अंक प्राप्त हो जाए। तो एक तो ये अप्रोच रहेगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारी देने की और क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाने की, ताकि ये तथ्यात्मक जानकारी है ये आपकी प्री में काम आ जाए, और जबकि और तथ्यात्मक जानकारी है अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ लिया उसने, तो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य दोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फेकोलॉजी करोगे तो कम से कम मार्किंग होगी, अगर तथ्य ज़्यादा दोगे तो मार्किंग बढ़िया हो। तो प्रयास करेंगे हम कि इतिहास में संभवतः ऐसा होता है कि हम प्रयास करेंगे कि समझ विकसित हो जाए आपकी, कि अगर आपको तथ्य याद नहीं रहे तो आप उस स्तर का प्रश्न लिख सको। लेकिन क्या होता है, अक्सर ये होता है कि अगर जब प्रश्न की समझ होती है, हमारे पास तथ्यों का अभाव होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें फेकोलॉजी करने लग जाते हैं। ये देखा है संभवतः छात्रों के साथ ऐसा होता है, हम भी ऐसा करते हैं। अगर कोई प्रश्न जैसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए जैसे कि अभी 2020 का जो मेंस हुआ था उसमें एक वालाथल संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछा था, वालाथल संस्कृति, ठीक है। अब जिन लोगों को पता था तो वो तो इसके बारे में लिख के आ गए, अब जिनको केवल मोटी मोटी समझ थी तो उन चीज़ों को थोड़ा बहुत लिख के कि ये ताम्र पाषाण एक संस्कृति थी, राजस्थान में थी, ऐसा वैसा करके जो है जुगाड़ तुगाड़ लगा के लिख के आ गए, समझ रहे हो। ये उनकी समझ थी कि वो जैसे तैसे लिख के आ गए, अगर उनके पास तथ्य होते तो वो बढ़िया आंसर लिख सकते थे। तो हम प्रयास करेंगे कि जिन प्रश्नों का अगर हमारे पास तथ्यात्मक, मान लीजिए हमने नहीं कर पाए, मैं पूर्ण रूप से नहीं आपको गारंटी दे रहा कि मैं आपको पूरा तरीके से परीक्षा में का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कुछ प्रश्न छूट जाए, पर मैं इतनी समझ विकसित कर दूंगा आपके अंदर कि जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाए और आप उसके कुछ तथ्य लिख सको, मतलब कुछ चीज़ें आप लिख सको। एक आध प्रश्न में ऐसा होगा, 1 या 2 प्रश्न में ऐसा होगा, सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच हमको अपनाना है, इस अप्रोच के माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करेंगे, शुरू से ही पढ़ने वाले हैं, इसमें ये मत सोचना कि यार शुरू से ही शुरू किया है तो सर अब ये तो हमने पढ़ा है ऐसा वैसा, तो आप चाहो तो इसको स्पीड में निकाल के वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में जो मैंने जिस तरीके से तथ्यों को जुड़वाया है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आपका ये माइंड सेट हो जाए कि इस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग करनी है, इस तरीके से तथ्यों को याद करना है, तो मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का। तो अब चलिए, उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसको मिटा देता हूँ,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? ठीक है, इतिहास तो जाहिर सी बात है कि जो इति धनहास, जो इति यानी कि समाप्त हो चुका है, जिसका हास है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो इतिहास बन जाता है। तो ये सब ना तो ऐसा कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इतिहास किसको कहते हैं, क्या है ये, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इतिहास का पिता भी नहीं पूछा जाएगा, सबको पता है कि इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस। ठीक है, कितने पिता है कौन से पिता है, माफी चाहें, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, सबको पता है। तो ये सामान्य से प्रश्न है, सामान्य जानकारी है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि इतिहास के जो है पिताजी हैं वो हेरोडोटस। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा है। कैसे, किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों। ठीक है, अब तीन भाग कौन कौन से होते हैं? इतिहास के तीन भाग हैं, देखते हैं कौन कौन से। एक तो है हमारा प्राग इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राग इतिहास, ध्यान रखना, प्राग इतिहास। ठीक है, दूसरा है हमारा आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, और तीसरा है हमारा इतिहास। तीसरा हमारा क्या है? इतिहास। ठीक है, तो पहला क्या है? प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है इतिहास। हमको नहीं पता यहां से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना न्यूनतम है, मतलब समझ लीजिए 1%। लेकिन क्या होता है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो मोटा मोटा पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, अगर कभी प्रश्न आ गया, मुझे नहीं लगता कि आएगा। ठीक है, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे आगे कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं कि इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से कभी अभी तक प्रश्न नहीं बना है, ना मुझे लगता है कि आगे बनने की संभावना है। लेकिन हम इतिहास शुरू कर रहे हैं तो इतिहास की समझ विकसित हो हमारे अंदर, इतिहास को जाने, तो शुरू से ही पढ़ते हुए क्यों तो ना हम शुरू से ही पढ़ते हुए इसको चले। तो प्राग इतिहास, प्राग इतिहास की अगर बात करूं मैं, तो प्राग इतिहास होता क्या है? तो प्राग इतिहास क्या है? प्राग इतिहास ऐसा इतिहास है जिसकी जानकारी हमको किससे मिल रही है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, मतलब कि ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हो रही है, उस इतिहास को कहा जाता है प्राग इतिहास। इस इतिहास का कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं, इस इतिहास का कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। लिखित वर्णन वर्णन उपलब्ध नहीं है, आई बात समझ में? तो इसकी परिभाषा बन गई। प्राग इतिहास क्या होता है? ऐसा इतिहास जिसका जिसकी जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त, इसका कोई लिखित वर्णन हमारे पास उपलब्ध नहीं। ठीक है, तो ऐसा इतिहास कौन सा इतिहास आता है जिसकी जानकारी केवल हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है, वहां से कोई हमको लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ? ये मैंने ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है, इधर लिखने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको किससे मिल रही है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। जानकारी किससे मिल रही है? पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, इसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं। ठीक है, लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं, ऐसा कौन सा इतिहास है? आप थोड़ा सा सोचिएगा, लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं। अब 3 नंबर की परिभाषा भी बन गई है, प्राग इतिहास कभी आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, लेकिन कभी आ गया और आपको प्राग इतिहास लिखा आ गया, 3 नंबर पर परिभाषा बताना, तो लिखेंगे ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हो रही है, जिसका लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा इतिहास क्या कहलाता है? ऐसा इतिहास कहलाता है प्राग इतिहास। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? उदाहरण लिख देंगे हम। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? उदाहरण में लिखेंगे पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल की जो जानकारी मिल रही है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है। पाषाण काल की जो जानकारी मिल रही है
वो हमको केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है, इसका कोई हमको लिखित वर्णन उपलब्ध प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे प्राग इतिहास की ये डेफिनेशन होती है। अगर आप कभी किसी को बता रहे हो कि भैया जो इतिहास है उसको तीन भागों में अध्ययन की दृष्टि से हमने बांट दिया है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, ऐसा इतिहास जिसकी लिखित वर्णन हमको उपलब्ध नहीं है, इसके अंतर्गत हमने पाषाण काल को रखा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्राग इतिहास। अब यहीं पर आपका आएगा क्या, जो है आद्य इतिहास। अब आद्य इतिहास ये क्या वाला है, ये क्या वाला है आद्य इतिहास, ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी किससे मिल रही है, पुरातात्विक साक्ष्यों से। पुरातात्विक साक्ष्यों से सबकी जानकारी मिलेगी, इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है, ठीक है, जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है, इसका लिखित वर्णन भी उपलब्ध है। क्या है, लिखित वर्णन भी उपलब्ध है, यानी कि लिखित साक्ष्य भी है, लिखित वर्णन भी क्या है, उपलब्ध है, लिखित वर्णन भी उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन एक समस्या आ गई, इस लिखित वर्णन को हम पढ़ नहीं सकते, ये लेकिन जो लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को, लेकिन इस लिखित वर्णन को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसे इसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो हमारी दूसरी परिभाषा बने कि आद्य इतिहास क्या होता है, तो बताएंगे कि सर आद्य इतिहास वह इतिहास होता है जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हो रही है, जिसका लिखित वर्णन भी उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित वर्णन को हम पढ़ नहीं सकते, वैसा इतिहास आद्य इतिहास कहलाता है। वैसा इतिहास क्या कहलाएगा मित्रों, आद्य इतिहास कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम किसको डालेंगे, इसके अंतर्गत उदाहरण के लिए हम डालेंगे, उदाहरण सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। सिंधु सभ्यता वा वैदिक काल, कौन सा काल, वैदिक काल। इसके अंतर्गत क्या आएगा, सिंधु सभ्यता वा वैदिक काल आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो लिखित वर्णन है उसको पढ़ नहीं सकते, लेखन कला का विकास हो गया है इस समय, लेकिन उस कला को हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा काल के अंतर्गत, आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक काल को हम रखेंगे। अगली बात समझ, तो इसमें क्या आएगा, हमने दो चीजें देखी, थोड़ा सा रिविजन करें। प्राग इतिहास देखा, प्राग इतिहास ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिल रही है, जिसका लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, उस इतिहास को हम प्राग इतिहास नाम से जानते हैं। एक परिभाषा ये बने, सेम ऐसी ही परिभाषाएं ऐसे ही सामान्य भाषा में मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा, बाकी जाके ठीक है। उदाहरण के लिए पाषाण काल, ठीक है। अब आता है आपका आद्य इतिहास। आद्य इतिहास ऐसा इतिहास है जिनकी जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिल रही है, लिखित वर्णन भी उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित वर्णन को पढ़ा नहीं जा सकता, लिखित वर्णन को पढ़ा नहीं जा सकता। इसका उदाहरण हमने देखा था पाषाण काल है, जबकि इसमें कौन सा उदाहरण आएगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। इस काल में लिखित वर्णन प्राप्त हो गया है, लेकिन इस काल की जो में जो चीजें लिखी गई हैं उनको हम पढ़ नहीं सकते। कुछ लोग वो बोलेंगे कि सर वैदिक वेदों का भी विकास हुआ था, जो है वेद जो है उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल लिखे गए थे सारी चीजें हुई, लेकिन मित्रों उत्तर वैदिक काल में लेखन कला का जो है विकास तो हो गया था, लेकिन उसको पढ़ समझ नहीं, उत्तर वैदिक काल तक लेखन कला का विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ था। अब आता है इतिहास, अब आता है क्या, इतिहास। क्या आता है, इतिहास, ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से, इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, स्रोत छोड़ दो साक्ष्य लिख लो, पुरातात्विक साक्ष्यों से, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्यों से, जिसकी जानकारी
साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक, इसको ऐसे लिखना, साहित्यिक साक्ष्यों से, ठीक है, तथा ये जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत, इनको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तथा विदेशियों के वर्णन से, जिसकी जानकारी विदेशियों के वर्णन से, विदेशियों के वर्णन से, विदेशियों के वर्णन से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, साहित्यिक साक्ष्यों से तथा विदेशियों के वर्णन से प्राप्त होती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक साक्ष्य, उनको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? ये हमारा इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, अब इसके अंतर्गत हम सब में उदाहरण देख रहे हैं, इसमें उदाहरण देखा, इसमें तो इसमें उदाहरण देखेंगे हम, इसमें डालेंगे उदाहरण के तौर पर 500 ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। 500 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास, 500 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास, ठीक है, 500 ईसा पूर्व के बाद का जो है इतिहास इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, कि प्रागैतिहास, आद्यतिहास और इतिहास, हमने चीजें देखी, यही आपकी परिभाषा हो गई। सेम एज इट इज, जैसी की तैसी, जैसी ये है वैसी ही मैंने आपको पीपीटी बनाई आपके लिए। तो पीपीटी में कुछ नया नहीं, सेम का सेम है, जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ वैसी पीपीटी आपको मिल जाएगी। जो मैंने यहाँ बताई उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, सारी वैसी की वैसी चीजें हैं। जिस तरीके से मैंने पीपीटी तैयार की है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ठीक है। पीपीटी में आपको लास्ट में जब ये सब बता दूंगा तो पीपीटी के माध्यम से भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, वो पीपीटी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो वीडियो रहेगा, वीडियो के बाद में जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक की जो है पीपीटी हर वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ जो भी है, पीपीटी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमने तीन चीजें देखी, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो तीन चीजें हमने क्या क्या देखी, प्राग इतिहास, इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ये सब समझ में आ गया आपको? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया हो, प्राग इतिहास ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के लिए पाषाण काल। आद्य इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी जिसकी मिल रही है, लिखित वर्णन भी उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसके अंतर्गत उसको जो है उसके अंतर्गत किसको रखा, सिंधु सभ्यता को व वैदिक काल को। जबकि इतिहास क्या होता है, जिसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों, साहित्यिक साक्ष्यों तथा विदेशियों के वर्णन से प्राप्त होती है, उसको कहते हैं हम क्या, इतिहास, 500 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास। ये डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आ गई बात समझ में? तो अब हम अगले पेज की तरफ चलेंगे। ये हमने बांटा था अध्ययन की दृष्टि से इतिहास, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कालक्रम की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे इतिहास को, ठीक है, कि अब हमको पढ़ना कौन कौन सा इतिहास है, ठीक है। अब पढ़ना तो वो भी था, ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं पढ़ना, पढ़ना तो वो भी है लेकिन कालक्रम की दृष्टि से। अब ये तो सबको पता होगा, कुछ बोल रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, लेकिन इसको एक बार बता देंगे ताकि आपके नोट्स में लिखा रहे, अच्छा लगता है ये इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम हमारी जो क्लास है वो एकदम बेसिक्स से है, शुरू से है, इसीलिए मैं प्रयास करूँगा एकदम बेसिक से पढ़ाने का, ठीक है। अगर आपको क्लास बढ़िया लगे तो आप कमेंट में लिख देना कि सर बढ़िया लगी थी, और नहीं बढ़िया लगे तो वो भी लिख देना कि सर ये तो पढ़ा चुका है। कुछ कुछ बोलेंगे कि सर ये तो वही रिपीटेशन करा रहे हो, भाई साहब आप रिपीटेशन हो रहा है तो क्या करें, अब इतिहास तो यही है, शुरू तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे से जहाँ से आपको नहीं आता होगा तो वहाँ से पढ़ लेना। चलिए तो इतिहास, इतिहास को कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे। एक होता है क्या, प्राचीन इतिहास, एक होता है क्या,
प्राचीन इतिहास, ठीक है, एक होता है मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और एक होता है क्या? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास। और एक होता है समकालीन इतिहास, ठीक है, समकालीन इतिहास, समकालीन इतिहास। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसलिए क्योंकि जिस बच्चे की या जिन लोगों की नींव बढ़िया होती है, शुरुआत बढ़िया होती है, नींव बढ़िया होती है, वो इमारत उतनी ही मजबूत और उतनी ही ऊंचाई तक जाती है। अगर नींव ही हमारी कमजोर है तो वो इमारत भी हमारी कमजोर होगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतिहास की समझ हो, आप चीज़ों को एनालिसिस करो। मैं आपको रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको इतिहास को रटना चाहिए। इतिहास रटने का विषय है ही नहीं, इतिहास समझने का विषय है, इतिहास जीने का विषय है। क्योंकि अतीत में वैसे ही लोग थे जैसे कि वर्तमान में, ठीक है, उनके जीवन जीने की कला कैसी थी, शैली कैसी थी, उन लोग के अपन देख रहे हैं कि किन किन किताबों से उनको जानने की जानकारी मिलेगी हमको। हम देखेंगे कि कौन से साधन हैं जिनसे उनके बारे में जानने को जानकारी मिल रही है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसी का नाम इतिहास है, बाकी कुछ नहीं। उनके क्रियाकलापों को हमको देखना है। अब उन पे ज्यादा जोर नहीं देना है कि सर उस अकबर के बाप का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, ये जमाने गए बेटा, ऐसे क्वेश्चन अब कभी नहीं पूछता। अभी हमको ऐसे क्वेश्चनों पर, ऐसी चीजों पर फोकस करना है जो काम की चीजें हैं। अब ऐसा मत बोल देना कि सर आपने उसके बाप का, उसकी मम्मी का नाम नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता होगा। पर हम प्रयास करेंगे कि ऐसी चीजों को पढ़ने का जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। तो अब ये तो सबको पता होगा कि सर ये बटा हुआ है, लेकिन मैंने बोला कि हम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो आपको मेरा सहयोग देना पड़ेगा। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम रखेंगे किस किस को देखेंगे हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम रखेंगे, ठीक है। मैं नया कुछ पेन में देखता हूँ, कुछ कलाकारी करने का प्रयास करता हूँ अलग पेन लेने की, अगर अच्छा लगा तो बता देना। तो प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे किसको? पाषाण काल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता को इसमें रखा जाता है, सिंधु सभ्यता को किसको रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को। और इसी में रखा जाता है उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को, सॉरी उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल दोनों, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों आ जाए। इसी में आएगा कौन सा? वैदिक काल। इसमें आ जाएगा वैदिक काल, इसमें आएगा वैदिक काल, इसी में आएगा महाजनपद काल, महाजनपद काल, इसी में आएगा मौर्य काल, इसी में आएगा कौन सा काल? मौर्य काल। और इसी में आएगा जो है आपका गुप्त काल, मौर्योत्तर काल भी आएगा, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का काल, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। ये आएगा इसमें, इसी में राजपूत काल भी आ जाएगा, गुप्तों के बाद का ही काल है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? किसके? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। अब जो है हमको पढ़ना रहेंगी जो है किसके अंतर्गत, क्या नाम है भाई, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। अब मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, एक तो है हमारा दिल्ली सल्तनत, क्या आ जाएगा? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ये कब से कब तक? ये 712 से लेकर के 712 ईस्वी से
ठीक है, कब तक? 1526 तक। 1526 में बाबर महाराज आक्रमण करते हैं, बाबर आक्रमण कर देता है और दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे हम मुगल काल। मुगल काल कब तक पढ़ेंगे? जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती, तो यानी कि 1707 तक पढ़ेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती, तो इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत तो मुगल काल को रखते। इसमें हम मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल को भी रखते हैं, जिसमें थोड़ा सा राजपूत काल भी आ जाता है। 712 में जो है आप देखेंगे कि अरबों के आक्रमण से के बाद का जो है इतिहास हमको पढ़ना होता है, तो उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आएगा किसके अंतर्गत? मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। आगे बढ़े, आगे अब हम बढ़ेंगे इधर की तरफ, जाएंगे आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में पढ़ने का प्रयास करेंगे किसको? व्यापारिक कंपनियों के आगमन से। व्यापारिक, इसको क्या कहते हैं भैया? व्यापारिक, व्यापारिक, व्यापारिक कंपनियों के आगमन से कब तक का इतिहास? 1947 तक का, 1997 तक का इतिहास, का इतिहास इसमें सब आ जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर मुगल काल भी आ जाएगा, व्यापारिक कंपनियां भी आ जाएंगी। व्यापारिक कंपनियां कैसे जो है अंग्रेज कंपनी आती है, अंग्रेज कंपनी बाकी की कंपनियों को कैसे जो है भारतीय बाजार से अलग कर देती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे भारत पर राज्य करती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर भारतीय जो है प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरीके से व्यापारिक कंपनी यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर करते हैं, इसकी कहानी सब इसमें देखेंगे। इसके बाद इसमें जो आता है आपका समकालीन इतिहास में, इसमें आपका आएगा क्या? इसके अंतर्गत जो रहेगा वो रहेगा 1947 से लेकर भारत की आज़ादी के बाद, 1947 से 1990 तक जो घटनाएं घटित होती हैं उसका इतिहास, 1947 से 1990 तक का इतिहास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है इतिहास का कालक्रम की दृष्टि से हमने थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये तो हमको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना इंट्रो है। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास ही प्री और मेंस की है, नहीं तो मैं सीधा डायरेक्ट सिंधु सभ्यता पे पहुंचता और वहां से पढ़ाने का प्रयास करता। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास कैसी है? प्री प्लस मेंस की है, तो जो लोग मेंस के हैं वो थोड़ा सा देखने से अभी बचेंगे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग प्री के हैं वो अब देखें, जो मेंस वाले हैं आने वाली क्लास से देखें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है इतिहास को शुरू से शुरू करने का जो प्रयास था, शुरू से शुरू कर दिया है। तो हमने पहले अध्ययन की दृष्टि से देखा था, अब हमने देख लिया है कालक्रम की दृष्टि से, अब हम इतिहास के को जानने के स्रोत देखें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास को जानने के स्रोत पढ़। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद अगले टॉपिक मैं जो है बताता हूँ, थोड़ा पानी पी लो। चलिए आगे बढ़े, पीपीटी वैसी की वैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मैं बस लास्ट में आपको दिखा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पीपीटी से आपको आदत पढ़ने की रहती हो, आप पढ़ते हो नहीं, फिर पीपीटी आ जाती है, नोट्स नहीं बनाते हो। अब हम पढ़ेंगे इतिहास को जानने के स्रोत, तो ये यहाँ से आपके काम की थोड़ी सी चीजें आने लग गई। इतिहास को जानने के स्रोत, या स्रोत ये कैसा लिखते हैं यार? स्रोत ये ऐसा होता है शायद, मुझे जहां तक पता है ऐसा हो लिखते हैं, देख लेना, मुझे नहीं पता, ये हम तो ऐसे ही लिखते आ रहे हैं भैया बचपन से, गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये तो पता है मुझे। वो जो वाला लिखते हैं ना, वो स्रोत वाला, वो तुम अपने हिसाब से लिख लेना।
कौन सा लिखते हैं यार, मुझे नहीं पता, ये होता है वो। हाँ ये सही है, ऐसा लिखते हैं, आप लिख लेना। चलिए, तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो तीन तरीके के स्रोत, कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के स्रोत हैं। अभी कुछ नया अपन ट्राई करते हैं, इसमें नया ट्राई ये करेंगे कि अपन ये वाली पेन लेने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ नया आए, अच्छा लगेगा देखने में, कोशिश कर रहा हूँ मैं बस, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं कोशिश के अलावा। तो ये इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को के जो स्रोत हैं, इतिहास के जानने के स्रोतों को तीन भागों में हमने बांट दिया है। तीन भाग हैं, पहले तीन भाग हैं, स्रोतों को तीन भागों में बांटा है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, क्या है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, हाँ सही लिख दिया मैंने, पुरातात्विक स्रोत। पिंक पिंक लग रही है यार, ये तो मजा नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है आप लिख दिया तो करें, हैं लड़कियां तो खुश हो गई होंगी देख के, पिंक उनका पसंदीदा कलर होता है, पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद विदेशियों का वर्णन, विदेशियों का वर्णन, हम इतिहास को तीन स्रोतों से जानेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का वर्णन। पुरातात्विक स्रोतों को सबसे पहले देखेंगे, फिर साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे, फिर विदेशियों के वर्णन को देखेंगे, ठीक है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा देखेंगे अभी। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं इनको भी जो है तीन भागों में बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा। ब्राह्मण साहित्य, कौन सा साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैन साहित्य, कौन सा साहित्य है, जैन साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आएगा किसके अंतर्गत, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। ब्राह्मण साहित्य इसमें वेद वेद जो भी है वो देखेंगे, वो आएंगे, वद साहित्य, जैन साहित्य आ जाएगा। विदेशियों का वर्णन वही, इसमें सब आ जाएंगे, सब कौन कौन से आएंगे, सब कौन कौन से आ जाएंगे, सब कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे यूनानी, रोमन, ठीक है, चीनी इतिहासकार, चीनी इतिहासकार, चीनी इतिहास, चीनी इतिहासकार और अरबी इतिहासकार, ठीक है, अरबी इतिहासकार एक विदेशियों के वर्णन के अंतर्गत आए, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत इस तरीके से पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे हम किसके ऊपर, पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे और साहित्यिक स्रोत विदेशियों के वर्णन के बाद वर्णन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो तीन भागों में बांटा गया हमने, कि इतिहास को जानने के स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का वर्णन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमको पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है, फिर साहित्यिक पढ़ेंगे, फिर विदेशियों के वर्णन के बारे में। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम किसके बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, किसके बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहली लाइन जो लिखी जाएगी इसमें, कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत इतिहास जानने के सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं, इतिहास जानने के सबसे प्रमाणिक
प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर कहीं पर खुदाई से स्नानागार मिला है तो स्नानागार को हम मिटा थोड़ी ना सकते। हम स्नानागार को बनाएंगे तो दूसरा अलग दिख जाएगा, भैया कि इन्होंने मिटा के जो है स्नानागार को मिटा के जो है कुछ और बनवा दिया है वहाँ पे, ठीक है, पाखाना बनवा दिया है, बाथरूम बनवा दिया है, तो अलग दिख जाएगा। उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए इतिहास जानने के सबसे प्रमाणिक स्रोतों में स्रोत हैं कौन? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पहली लाइन हम ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत गुरुजी होते क्या हैं? आप लोग बोलोगे सर यही अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मंदिर स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, गुफाएं, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं इतिहास को जानने के सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं, सबसे प्रमाणिक स्रोत होते हैं। तो आप देखेंगे जो पुरातत्व विभाग है हमारा, जो दो तरीके से खुदाई करवाता है, एक तो करवाता है कैसी, लंबवत खुदाई करवाता है, एक क्षैतिज खुदाई करवाता है। पुरातत्व विभाग दो तरीके की खुदाई करवाता है, एक तो क्या, लंबवत, लंबवत, और एक होती है क्षैतिज, ठीक है। हमारे को इंग्लिश में नहीं पता है, इसको लंबवत को शायद ऐसे ही बोलते हैं, खड़ी इस तरीके से, और क्षैतिज को इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक समस्या आती है, अगर लंबवत खुदाई होती है तो नीचे जाएंगे, ज़्यादा तक देर नीचे तक खोदेंगे, कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, ज़्यादा नीचे तक खोदते हुए जा रहे हैं तो उसमें पानी निकल आएगा, तो ये समस्या आ जाएगी। क्षैतिज खुदाई हो रही है, साक्ष्य मिलते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, पता चला आगे कोई बस्ती आ गई, शहर आ गया, ऐसा भी नहीं है कि जो सामने बस्ती आई है, शहर आया, उसको गिरा के नीचे से सभ्यता खोदे, लोग गिरा गिरा के मारेंगे पुरातत्व विभाग के लोगों को, भैया हमको जो है पुराने लोगों को निकालने के चक्कर में जो जिंदा लोग हैं उनको क्यों दफना रहे हो, हमको क्यों इतिहास बना रहे हो। तो पुरातत्व विभाग दो तरीके से खुदाई, एक लंबवत, एक क्षैतिज खुदाई करता है, ठीक है। इसके बाद पुरातत्व विभाग स्तर क्रम विन्यास के आधार पर खुदाई करवाता है, किसके आधार पर, स्तर क्रम विन्यास के आधार पर, स्तर क्रम विन्यास के आधार पर खुदाई खुदाई करवाता है, आधार पर खुदाई करवाता है। अभी स्तर क्रम विन्यास क्या होता है? स्तर क्रम विन्यास कुछ नहीं होता है, इसके अंतर्गत यह होता है कि सबसे ऊपर जो सभ्यता मिलेगी, सबसे ऊपर जो सभ्यता मिलेगी खुदाई के दौरान, सबसे ऊपर सबसे नई सभ्यता, सबसे नई सभ्यता खुदाई के दौरान, जब हम खोदेंगे नीचे कोई सभ्यता साक्ष्य मिले पुरातात्विक हमको, तो सबसे ऊपर जो सभ्यता मिलेगी हमको, सबसे नई सभ्यता मिलेगी, और सबसे नीचे सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से सबसे ऊपर नई और नीचे पुराना, लेकिन यह संरचना नदियों के समय के स्थान पर उल्टी हो जाती है, सबसे ऊपर हो जाएगी पुरानी और इधर हो जाएगी नई, कहां पर, नदियों वाले स्थल पर। बोले क्यों? क्योंकि नदियां क्या करेंगी, जो नई सभ्यता है ऊपर वाली, इसको बहा के ले जाएंगी, इसको हटा देंगी, तो ऊपर निकल के आ जाएगी कौन सी, पुरानी सभ्यता। वो जो नई सभ्यता है वो कहीं दब जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो नई चीजें नीचे चली जाएगी, दब जाएंगी, तो नई नीचे चली जाएगी और पुरानी ऊपर हो जाएगी। ये नदियों में ये संरचना उल्टी हो जाती है, इस तरीके इसको बोलते हैं स्तर क्रम विन्यास के आधार पर, कि सबसे ऊपर सबसे नई सभ्यता, सबसे नीचे पुरानी सभ्यता, इस तरीके से खुदाई करवाता है। अब जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, अब अभिलेख,
सिक्के, स्मारक, ठीक है, मंदिर, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने दो तीन चीज़ें देखी, इतिहास के बारे में की शुरुआत की है, शुरुआत से मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। मैंने आपको इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से उसको दो तीन भागों में बांटने का प्रयास किया, मतलब कि बांटा ही जाता है, मैंने क्या प्रयास किया, वो आद्य इतिहास, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, इसको हमने अलग अलग तरीके से जो है इसकी परिभाषाएं देखी। ये देखो, इसके बाद जो है आगे मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं उसको, कालक्रम की दृष्टि से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और समकालीन इतिहास, इसके बारे में। फिर हमने इतिहास को जानने के स्रोत देखे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का वर्णन। आज हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करें कि हमने थोड़ी सी, अब कल हम और ज़्यादा चर्चा करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद है कि अभी ये शुरुआत है, ये जो तरीका है, ये जो मैंने बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो आप बढ़िया लिख देना, अगर इसमें कुछ सुधार मुझे करना है तो वो अपने शब्दों में, बढ़िया से शब्दों में सुधार नीचे लिख देना कि गुरुदेव, भाई, दोस्त, बड़े भैया, छोटे भैया, जो बोलना है लिख देना कि भैया जी ये सुधार करना है, मैं प्रयास करूंगा सुधार करने। अगर आपको लगता है कि मैंने बढ़िया किया तो वो भी लिख देना, तारीफ सबको अच्छी लगती है भाई साहब। तो आप प्रयास करना कि जो सुधार मुझे करना है तो वो सुधार मैं कर सकूं, या फिर ऐसे ही हम पढ़ाएं। पीपीटी भी आपके पास, पूरी पीपीटी है, मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं अब दूंगा कल इस वीडियो के बाद, जहाँ तक पढ़ा दिया, क्योंकि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में पीपीटी उपलब्ध करा दूंगा। ये देखो पीपीटी पूरी है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, सब पीपीटी बिल्कुल सेम बनी पड़ी है, रखी है, आपको बस देना है। तो पीपीटी सब बनी रखी हुई है, ऐसे की ऐसी जो है पीपीटी आपको दे दी जाएगी। यही मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल वैसा का ही वैसा है जैसा मैंने आपको बताया है। मैंने थोड़ा सा बाकी चीज़ें और बताई हैं, थोड़ी सी समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हमारी पीपीटी है और पीछे मैंने आपको बताने का प्रयास जो है किया है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास इतिहास की। आगे अगली जो क्लास है, आज अगला जो टॉपिक है, यानी कि आगे का जो बचा हुआ है, वो मैं कल कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।